हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मिडल कट स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है। तो हमारे स्लीव की रेडी लेंथ हमें चाहिए 15 इंच, तो इसलिए मैंने इसकी लेंथ ली है 13 इंच। फ्रेंड्स, अभी मैं ये लेंथ लूँगी 9.5 इंच, जो कि हमारे चेस्ट से 1 इंच कम रहती है। तो अभी हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे और ये डिस्टेंस मैं लूँगी 3.5 इंच। अभी हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आर्म होल ड्रॉ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट आर्म होल है और ये हमारा बैक आर्म होल है। अभी हम बाजू की गोलाई ले लेते हैं। बाजू की गोलाई मैं लूंगी 6 इंच और अभी इन पॉइंट्स को जोड़ दूंगी। अभी हम बैक आर्म होल को लेके स्लीव की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल को भी कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने स्लीव्स के फ्रंट में लगाने के लिए एक डबल फोल्ड में स्ट्रिप ली है, जिसकी विड्थ है 3.5 इंच। अभी हम दोनों स्लीव्स को सेंटर से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमें ये साइड लेके इसको इस तरह से 1/2 इंच से भी कम इंच डिस्टेंस लेके इस तरह से फोल्ड करनी है। हमें डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर एंड तक सिलाई लगा देनी है। हमें स्लीव्स के दूसरे पार्ट के लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने हमारे स्लीव्स के दोनों भी साइड को फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा दी है और अब हमें एक साइड को इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप करके यहाँ तक 3.5 इंच तक हमें ऐसे एक सिलाई लगा देनी है। फ्रेंड्स, ये सिलाई हो जाने के बाद हमें जो हमने 3.5 इंच की स्ट्रिप ली थी डबल फोल्ड में, उसको हमें ऐसे फोल्ड करके उसके ऊपर भी सिलाई लगा देनी है और फिर इस स्ट्रिप को ऐसे रख के यहाँ से हमें और एक सिलाई लगा देनी है और फिर हमें इसको ऐसे थोड़ा फोल्ड करके इसके ऊपर रखना है, ये देखिए, और यहाँ से भी एक सिलाई लगा देनी है। इसके लिए भी हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ भी सिलाई लगा दी है और यहाँ हमने स्ट्रिप भी अटैच कर ली है। तो अभी हमें इसके लिए डोरी और लटकन रेडी करना है। तो फ्रेंड्स, लटकन रेडी करने के लिए मैंने 3 इंच लंबाई और चौड़ाई की स्ट्रिप ली है, जिसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है और उसके ऊपर और एक फोल्ड करनी है और इसको इस तरह से राउंड शेप में कट कर लेना है। फ्रेंड्स, हमें इस तरह से और एक लंबी स्ट्रिप लेनी है, जिसकी विड्थ है 2 इंच और हमें ऐसे डबल करके छोटे छोटे प्लेट्स देनी है और इसके ऊपर सिलाई कर देनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने प्लेट्स बना दी है और इसके ऊपर हमने सिलाई भी कर दी है। अभी हमें ये राउंड स्ट्रिप लेनी है और इसके ऊपर ये प्लेट वाली स्ट्रिप को इस तरह से रखना है और इसके ऊपर सिलाई कर देनी है। फिर इसके बाद इसको इस तरह से पलट देना है और इसके ऊपर और एक सिलाई कर देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके ऊपर सिलाई कर दी है। अभी हमें एक डोरी लेनी है और इसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है और इस स्ट्रिप को इसके ऊपर ओवरलैप कर लेना है और इसके ऊपर सिलाई कर देनी है और उसके बाद हमें स्ट्रिप को पलट देना है। तो हमने स्ट्रिप पे सिलाई कर दी है, अभी हम इसको पलट देंगे। तो इस तरह से हमें चारों लटकन रेडी कर लेना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।